दोस्तों हो जाते यार, क्योंकि महिंद्रा फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की री एंट्री होने वाली है, मतलब महिंद्रा वाले इसे रीडिजाइन और नए फीचर के साथ लॉन्च करने वाली इंडियन मार्केट में। क्योंकि दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और उस गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा तबाही और काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया। इस वजह से दोस्तों वो लोग चाहते थे कि यार क्लासिक वर्जन का रीडिजाइन हो और नए फीचर के साथ लॉन्च किया जाए, लेकिन दोस्तों अब महिंद्रा वाले यही करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम नए स्कॉर्पियो क्लासिक के डिज़ाइन को देखें जिसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को नहीं मिले, मुश्किल से आप माइनर चेंज ही आप नोटिस कर सकते हो, वही दोस्तों आपको क्लासिक लुक ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इस गाड़ी को फ्रंट से देखें तो आप देख सकते हो इसका फ्रंट ग्रिल में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। ये दोस्तों बिल्कुल स्कॉर्पियन वाला ही फ्रंट ग्रिल आपको देखने को मिल रहा होगा और इसमें आप महिंद्रा का नया वाला लोगो भी आप देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ये 17-inch अलॉय व्हील के साथ आने वाला है और इस गाड़ी में आपको इतना मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इस गाड़ी को साइड को देखें, बैक से देखें, तो वही पुराना वाला क्लासिक लुक ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। और दोस्तों इस गाड़ी अगर हम इंटीरियर में जाते हैं तो इसमें भी आपको इतना बदलाव नजर नहीं आएगा। आप इस गाड़ी के केबिन में देख सकते हो, सिर्फ इसमें आपको बड़ा सा टच इन्फो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है नया स्कॉर्पियो क्लासिक जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आने वाले सप्ताह में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा और आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये गाड़ी किस तरह से टक्कर देगी स्कॉर्पियन। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में अब दो स्कॉर्पियो आ चुका है, स्कॉर्पियन और स्कॉर्पियो क्लासिक। अब दोस्तों इन दोनों गाड़ी के बीच ही कॉम्पिटिशन होने वाला है और अभी आप देख ही रहे हो स्कॉर्पियन का भी बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे लोग, बल्कि लाखों लोग इस गाड़ी को बुक कर चुके हैं अभी तक, लेकिन किन किन को मिलेगा ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि इस गाड़ी का काफी ज्यादा वेट चल रहा है। इसी बीच दोस्तों स्कॉर्पियो क्लासिक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लोग इस गाड़ी को भी प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि स्कॉर्पियन का तो काफी ज्यादा वेटिंग ही चल रहा है। तो यार इस गाड़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आपको इन दोनों गाड़ी में कौन सा गाड़ी सबसे अच्छा लगा, क्लासिक या फिर एन, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।